प्रिय विद्यार्थियों, आज द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम फ्रांस के पांचवें गणतंत्र को लेंगे। पिछले कालांश में मैंने प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था में भारत प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था में परिचय करवाया और इस क्रम में हमने अब संविधान के परिचय के पश्चात हम फ्रांस के पांचवें गणतंत्र को लेना चाहता हूं। ये पांचवें यूनिट में है और आपके सामने विकल्प भी हैं कि आप फ्रांस का संविधान पढ़ना चाहें न पढ़ना चाहें, स्वतंत्र हैं। तो जहां पर ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका अध्यक्षात्मक शैली के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो फ्रांस इनसे बीच का रास्ता प्रस्तुत करता है और राजनीतिक अस्थिरता का निदान भी प्रस्तुत करता है। तो इस क्रम में जब हम द्वितीय वर्ष के छात्र होते थे उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी थी और हमें जापान का संविधान पढ़ाया जाता पांचवें संविधान में। आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी पांचवें संविधान के रूप में जापान का संविधान पढ़ाती है, लेकिन आगे चलकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वितीय कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने एक बहस की शुरुआत की देश की संसदात्मक और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पर एक बहस आरंभ की। यह बहस हमारे द्वितीय वर्ष के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष ने उन पर आरोप लगाते थे कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के नाम पर इंदिरा गांधी तानाशाही की तरफ, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उत्तर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि भारत के लोग संसदीय व्यवस्था को भली भांति समझे और जब संसदीय व्यवस्था को भली भांति समझे तो ये आवश्यकता है कि उसका जो विकल्प है उसको भी समझा जाना चाहिए। जब हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना करेंगे तो हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इस क्रम में इंदिरा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि हम फ्रांस जैसी देशों की शासन प्रणाली का भी अध्ययन करें जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच का रास्ता प्रस्तुत करती है। तो इस क्रम में इंदिरा गांधी के इस दृष्टिकोण के पश्चात भारतीय विश्वविद्यालयों में फ्रांस के संविधान को भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाने लगा। हमारे क्षेत्र के राजस्थान के अजमेर विश्वविद्यालय ने भी अपने राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में जापान की जगह फ्रांस को रखा और इसके पश्चात बीकानेर विश्वविद्यालय में भी इसी फ्रांस के संविधान को अपनाया गया। तो मैं
यहाँ पर एक अंतर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, छात्र होने के नाते राजनीति की सैद्धांतिक बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये अवसर सभी लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन इंदिरा गांधी का ये जो प्रयास था वो संपूर्ण जनमानस को संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंतर को समझाने की कोशिश की, तो ये भी जो जनसाधारण के राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य था। आप भी इसका ध्यान रखें, इसका महत्व समझें। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से बिल्कुल केंद्रित होते हुए हम विचार करें तो फ्रांस एक प्रयोगशाला है, वहां पर पांचवा गणतंत्र आरंभ हुआ और पांचवा गणतंत्र के अध्ययन का राजनीतिक अस्थिरता के निदान की दृष्टिगत विशेष महत्व है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि छात्रों को समझना चाहिए। जो पहले विश्व का तीन भागों में विभाजन था, पश्चिमी लोकतंत्र जो विकसित राष्ट्र थे, साम्यवादी शासन प्रणालियां, और तीसरा ग्रुप अविकसित देशों का ग्रुप जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी आती थी। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो इन जो तृतीय विश्व के देशों की समस्या राजनीतिक अस्थिरता थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजनीतिक अस्थिरता पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। जो लोकतांत्रिक विकास मांग करता है वो राजनीतिक स्थिरता की मांग करता है, और राजनीतिक स्थिरता की स्थितियां न होना इन अविकसित देशों के न केवल राजनीतिक विकास में बल्कि संपूर्ण विकास में बाधा रही। अतः हम इस पक्ष को समझते हुए फ्रांस का अध्ययन करेंगे, विशेषकर चौथे और पांचवें लोकतंत्र की तुलना में यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं पहले के इतिहास पर एक पर नहीं जाकर केवल चौथे और पांचवें लोकतंत्र की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस पर भीषण आक्रमण किया और फ्रांस की सरकार देश छोड़कर भाग गई। इसके पश्चात लेकिन जनरल डीगाल के नेतृत्व में फ्रांस की सेना लड़ती रही और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों के साथ फ्रांस को विजय मिली। अपने राष्ट्र को विजय दिलाकर जनरल डीगाल सार्वजनिक जीवन से हट गए और 1946 में फ्रांस का चौथा गणतंत्र आरंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस में चौथा गणतंत्र आरंभ हुआ और इसमें ब्रिटिश संसदीय शैली को अपनाया गया, लेकिन ब्रिटेन की ये संसदीय शैली फ्रांस के लिए अधिक अनुकूल सिद्ध नहीं हुई और 12 वर्षों में 24 सरकारें गिरी, 25 सरकारें बनी।
ये द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत पश्चात का समय था, जब युद्ध में भारी विनाश हुआ था। फ्रांस को पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, युद्ध के घावों को भरने की आवश्यकता थी। लेकिन इससे अलग हटकर फ्रांस के शासनकर्ता राजनेता सरकारों को बनाने और गिराने में लगे रहते थे। अतः फ्रांस की जनता में भी असंतोष था, सेना में भी असंतोष था। अतः इन सब स्थितियों को देखते हुए 1958 में जनरल डीगाल ने राजनीति में प्रवेश किया। फ्रांस की राजनीति में उनके प्रवेश के साथ ही जो राजनेता थे उन्होंने अपना स्थान खाली कर दिया और जनरल डीगाल राष्ट्रपति बने। अतः इसके पश्चात उन्होंने एक आयोग बनाया जिसने 5वें गणतंत्र का संविधान बनाया और इसे जनरल डीगाल ने जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया। तो इसे जनता के समर्थन के पश्चात लागू किया गया और राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ और जनरल डीगाल निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो ये 5वें गणतंत्र की शुरुआत है। इसने फ्रांस के 4थे गणतंत्र की राजनीतिक अस्थिरता का निदान किया। अगर हम 4थे और 5वें गणतंत्र की तुलना करें तो फ्रांस में 4थे गणतंत्र में शक्तिशाली और कमजोर राष्ट्रपति था। 5वें गणतंत्र में इस स्थिति को उलट दिया गया। अब शक्तिशाली राष्ट्रपति और कमजोर संसद होती है, यानी संसद की तुलना में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली हैं। तो फ्रांस 5वें गणतंत्र में एक ऐसा देश है जहां पर प्रधानमंत्री का पद भी है, जबकि अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री पद नहीं है। तो इस प्रकार फ्रांस के 5वें गणतंत्र की ये कहानी है। 5वां गणतंत्र अब भी सफलता पूर्वक चल रहा है। मैंने 4थे गणतंत्र से ही फ्रांस का इतिहास आरंभ किया। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है और फ्रांस को 1789 की क्रांति का देश होने का गौरव प्राप्त है, जिससे दुनिया में लोकतंत्र के युग की शुरुआत मानी जाती है। यद्यपि ब्रिटेन राजतांत्रिक देश होते हुए भी अपने अंदर ही अंदर लोकतंत्र का विकास कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन का लोकतंत्र उनके अंदर ही था। लेकिन फ्रांस में प्रथम गणतंत्र के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक बने। उनके माता पिता राजा नहीं थे, वे एक सामान्य परिवार के युवक थे और अपना शासन स्थापित करने के पश्चात जो विश्व विजय अभियान चलाया उसमें लोकतंत्र का भी प्रचार हुआ। इस क्रम में 1815 में नेपोलियन की पराजय के साथ प्रथम गणतंत्र का अंत हुआ और आगे चलकर तृतीय क्रांति के साथ 1848 में तृतीय क्रांति के साथ द्वितीय गणतंत्र की शुरुआत हुई। अब नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे, उन्होंने कहा कि मैं वैसा करूंगा जैसा नेपोलियन ने किया।
वे उन ऊंचाइयों को तो नहीं छू सके जो नेपोलियन बोनापार्ट की थी और जर्मनी के हाथों की पराजय के साथ 1870-71 में द्वितीय गणतंत्र का अंत हुआ और इसके पश्चात तृतीय गणतंत्र की शुरुआत हुई। तृतीय गणतंत्र द्वितीय महायुद्ध तक चलता रहा और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस पर जर्मनी के आक्रमण के पश्चात फ्रांस की सरकार को देश छोड़ना पड़ा, इसी के साथ तीसरे गणतंत्र का भी अंत माना जाता है। चौथा गणतंत्र संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत के साथ 1946 में आरंभ हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया जिसका अंत जनरल डीगाल ने किया। अतः फ्रांस के वर्तमान संविधान को डीगाल की भूमिका के कारण डीगाल वादी संविधान भी कहा जाता है। धन्यवाद।